अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह हम 3D Max में वीरे मटेरियल को ऑब्जेक्ट्स पर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी दोस्तों, 3D Max हमारा ओपन हो चुका है। तो चलिए एक ऑब्जेक्ट ड्रा करते हैं जिस पर हम वीरे मटेरियल को अप्लाई कर सकेंगे। तो चलिए हम इधर से बॉक्स को पकड़ते हैं। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ गया, एस्केप, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें और राइट क्लिक, कन्वर्ट टू एडिट एबल पॉली, पॉलीगॉन पे जाना है और एक साइड सेलेक्ट कर लें जिसको हमने वीरे मटेरियल में अप्लाई करना है। मटेरियल ओपन कर लें एम कमांड से, मटेरियल अप्लाई कर दें, स्टैंडर्ड ऐसे होगा आपके पास शो। आपने वीरे को ओपन करना है और वीरे मटेरियल में, वीरे मटेरियल ओके। अब डिफ्यूज़ के साथ ऑप्शन होगी आपके पास, इस पे लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगी हमारे पास। टॉप पे चले जाएं, बिट मैप ओके, और जिधर आपने मटेरियल अपना सेव किया हुआ है उधर से कोई भी मटेरियल सिलेक्ट कर सकते हैं आप। मसलन मसलन मैं ये मटेरियल अप्लाई करना चाहता हूँ, या फिर ये मटेरियल ओपन, इसको डीसेलेक्ट कर दें और जैसा देख सकते हैं आप दोस्तों, हमारा वीरे मटेरियल अप्लाई हो चुका है। नीचे प्लेन लगा लें ताकि थोड़ी खूबसूरती हो जाए। मटेरियल मेटल वीरे मटेरियल ओके, डिफ्यूज बिट मैप, और इसे ग्राउंड कलर दे दें कोई भी। ग्राउंड कलर ये दे देते हैं, ओपन ओके। F10 रेंडर। तो दोस्तों इस तरह हम 3D Max में वीरे मटेरियल को अप्लाई कर सकते हैं। आज की वीडियो कैसी लगी? उम्मीद है अच्छी लगी होगी, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।